पर्पल कलर की शर्ट थी और एक ऐसा हेर था जिसमें पर्पल, पर्पल सिल्क की ओके, ओके, ओके और वो बहुत एक चमकीला सा चश्मा भी लगाया हुआ अब अंदर अंदर मैं खुद को गालियां दे रहा हूँ नेहा आहत की जिस तरह की परवरिश है उसको भी वो चीजें अपनी तोड़नी पड़ी और वो भी हाथ हिलाता है आपने नोट किया होगा वो शक्लें भी बहुत बनाता है मगर बेस्ट बात यह है की उसको भी शक्लें बनाते हुए कुछ नहीं हो रहा हम तुम यहां सुनो चंदा हम एनी टाइम असलम दिस इज़ राबिया एंड यू वॉचिंग मी ऑन फ्यूशर मैगजीन रमज़ान चल रहा है रमज़ान ड्रामे पे बातचीत बहुत ज़्यादा चल रही है ना सिर्फ ये कि एक्टिंग कैसी हो रही है स्टोरी कैसी है क्या मैसेजेस वो कम्युनिकेट कर रहे हैं कभी एक ड्रामा ट्रेंडिंग कर रहा होता है कभी दूसरा अम, लेकिन एक ड्रामा है हम तो उसमें और बहुत से रीज़न् उसके बारे में बात करने के लेकिन एक वजह जो है ना वो जिसने सबको जो सरप्राइज़ कर दिया वो हैं टिक दादा यू <laughs> नो you know, मेरे फेवरेट एक्टर मोहम्मद अहमद साहब और उनसे जब भी मुलाकात होती थी या जब हमने इंटरव्यू भी किया तो उन्हें बड़ी कंप्लेन रहती थी कि यार मुझे देते हैं कैरेक्टर पांचवी किस्त में मुझे मार देते हैं या छठी में मुझे रोना स्टार्ट कर देते हैं तो जैसे ही मैंने उनका प्रोमो देखा ना मैंने कहा पहली बार आपको नहीं बताया गया होगा कि इस ड्रामे में इस कैरेक्टर की डेथ होगी या कुछ बहुत डिफरेंट टाइप का कैरेक्टर आपको दिया गया है तो मुझे तब से बड़ा इंटरेस्ट था कि हम उनसे मुलाकात करें और कुछ गपशप लगाएं और पता चले कि इस कैरेक्टर को डेवलप करने में क्या थाट प्रोसेस था एंड एक्चुअली दैट कैरेक्टर हैज़ सो मेनी मैसेजेस गोइंग विद दैट तो आई रियली वॉन्ट टू टॉक अबाउट दैट तो मिलते हैं मोहम्मद अहमद साहब से दादू हैं ठीक ठाक है मुझे समझ ने ने क्या ददू हैंसम टिक बोलू? क्या बोलू? नहीं दादू हैं टिकॉकर दादा बोलूँ क्या नहीं, नहीं बहुत पहले से जानती है मुझे, <laughs> <laughs> मेरे थे बहुत ज्यादा तो जो तुम बातें कह रही हो इसीर के बारे में वो सारी बातें बहुत अपनी जगह दुरुस्त है मगर चूंकि मुझे मरने की इतनी आदत हो गई थी तो इस दफ़ा जरा मुझे लगा कि मुश्किल होगा मेरे लिए कोई ऐसा काम करना जिससे मर नहीं रहा जिसमें मैं रो भी नहीं रहा, रहा। तो तीसरे ये था कि जब ये मेरे पास आया था कैरेक्टर तो मैंने आ, मना कर दिया था सच्ची अच्छा। बात ये है मैंने कहा मैं नहीं कर सकती मैं तो <laughs> मैंने कहा नहीं मुझे शायद नहीं होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा बहुत अपोज़िट है उस कैरेक्टर से जो मैं पहले करता रहूँ हमेशा कुर्ता पजामा और चश्मा और कभी-कभी या टोपी जी। और आखिर में सॉरी हाँ। तो अब ये था कि ये वाला जब इन्होंने मुझे ऑफर किया तो पहले पहले थोड़ा सा मुझे खुशी हुई क्योंकि सायमा ने मुझे फोन करके कहा था कि मैंने लिखा है और इससे तो बड़ा डिफरेंट है और आपके लिए और, लिखा है आपको सोच के लिखा हुआ था ना आ, मेरा ख्याल है कि उन्होंने नहीं, तो कहने लगे कि नहीं मैं चाह रही हूँ कि आप ये करें मैंने कहा सहमत तुम कह रही हो तो मैं यकीन कर लूँगा लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था जब मैंने दो चार सीन्स पढ़े तो बस दो चार सीन्स पढ़ने के बाद ही मैंने कहा नहीं ये मैं नहीं कर सकता मुझसे नहीं होगा इससे पहले मैंने कभी दानिश नवाज के लिए काम भी नहीं किया था मैंने दानिश नवाज़ से काम देखा हुआ था ख़ासतौर पर दोबारा दोबारा बहुत अच्छा उसने बहुत एक सटल सा प्ले था लेकिन मुझे उस कॉमेडी के स्टाइल से बड़ा इख्तलाफ़ था क्योंकि मुझे लगता था कि मैं उछलकूद नहीं कर पाऊँगा मुझसे वो नाच गाने भी नहीं होंगे और शायद मैं मेरे बस का नहीं है फिर ख़ास तौर पर जब उन्होंने मुझे कपड़ों के बारे में बताया <laughs> तो सवाल भी है लेकिन आप बताएं लेकिन <laughs> नहीं, नहीं ये नहीं हो सकता ये मैं कपड़े ऐसे पहन ही नहीं सकता लेकिन उन्होंने आपको है वहाँ पर जो वॉडर डिज़ाइन करती हैं रुबाब वो बहुत ही कोई बहुत ही प्यारी खातून है फिर जब मैं दो दबा मना कर चुका था तो फिर वो मेरे पास रुबाब दानिश वगैरह आए और उन्होंने कहा कि नहीं आप इतना मत डरें रुबाब ने कहा कि मैं ज़िम्मेदारी ले रही हूँ आपकी बॉर्डर की उसकी आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें मैंने कहा ठीक है दानिश की तरफ देखा दानिश ने कहा मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं होने दूंगा अहमद साहब इतना ट्रस्ट कर ले मुझ पर अब दानिश के साथ मैंने पहले काम किया हुआ नहीं था मैंने कहा सारे डायरेक्टर एक जैसे होते हैं कहते कुछ हैं, करते कुछ है <laughs> तो बाहर हाल उस दिन फिर मैं इनकार नहीं कर पाया उन्होंने झट से साइन कराया और फंस oh, गया अब जो पहले दिन का सीन हुआ तो बस उस पर मैंने कहा ये तो मोहम्मद अहमद तुम इन लाभ पढ़ लो अब क्योंकि वो पर्पल कलर की शर्ट थी और एक ऐसा हेयर <laughs> था जिसमें हाँ, पर्पल, पर्पल सिल्क की ओके okay, okay, हाँ। तो ओके ही वो, वो, हाँ। वो पहले दिन का था शर्ट जबकि अभी उन्होंने मुझसे वादा किया था कि नहीं हम आपको नहीं ऐसे गॉडी कपड़े नहीं पहनाएंगे आप बिल्कुल हो जाए पहले ही दिन का वो पहला ही शॉट जो था उसके अंदर मैंने वो गोटे वाला हैट लगाया हुआ और वो बहुत एक चमकीला सा चश्मा भी लगाया हुआ और वो पर्पल शर्ट भी पहनी हुई अब अंदर अंदर मैं खुद को गालियाँ दे रहा हूँ कि साइन करने की इतनी जल्दी क्या थी मोहम्मद अहमद कि तुम तो अगर ये कपड़े यहाँ आके तुम देखते तो यहीं से वापस चले जाते अगर साइन रह लेकिन चूँकि मैं साइन कर चुका था अब वो करते हुए पहले दिन का मुझे शूट याद है कि जब मैं वो पहले दिन कर रहा था उसमें गालिबा निगे टिम्पल जो आ चुकी है उनके बारे में कोई बात थी तो और उसके अंदर वो मोबाइल अपने सीने से लगा के मुझे बहुत ही कोई हीरो टाइप चीज़ करनी थी मैं बता नहीं सकता रबिया कि मेरी टांगें इस तरह लरस नहीं थी कि थिएटर में लाइव जाने से पहले भी नहीं लरसें और मुझे लग रहा था कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा ये अभी खुद ही डायरेक्टर मुझसे कहेगा कि घर जाए अहम साहब आपके बस का नहीं है मगर दानिश एक कमाल का आदमी है अंदर से मैं ये भी ज़रूर बात करना चाह रहा हूँ कि इतने अरसे में डायरेक्टर्स के साथ काम करके मुझे जो अंदाज़ा हुआ तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे एक्सपीरियंसेस नहीं हैं बहुत चंद एक डायरेक्टर्स होते हैं जिनके साथ मैं कंफर्टेबल होता हूँ okay. या यूँ कह लो कि मुझे रोने की इतनी आदत होगी ये okay. डायरेक्टर को भी पता है इसको बुलाएंगे यहाँ बिठाएंगे ये यह रोएगा या मर जाएगा आराम से कोई मसला नहीं होगा ज़्यादा कुछ करना नहीं, नहीं। ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ वो ऑटो पायलट पे हाँ, चल रहे हैं ऑटो पायलट बिल्कुल सही बात है अब दानिश के साथ चूँकि मेरा ये काम पहला था और दानिश के साथ मेरी बहुत ज़्यादा बातचीत भी नहीं थी वो भी अपनी जगह बड़ा रिजर्व रहता था शायद रिस्पेक्ट की वजह से वो मुझसे डायरेक्टली कभी इंटरेक्शन नहीं होती थी और मुझे लगता था ये तो बहुत ही कोई एटीट्यूड से भरा बंदा है यार इससे मैं ये कैसे कहूँगा कि ये ऐसे कपड़े मुझसे नहीं पहने जा रहे हैं मैं नहीं कह पाऊँगा और अंदर अंदर मैं सोच रहा अच्छा मैं आज आ गया हूँ घर जाके फ़ोन करूँगा कि मुझसे नहीं होगा आगे जा घर जा इनकार कर दूंगा आज मैं मगर फिर रमशा और अर्जमंद ओके okay. एक ने मेरा ये बाजू पकड़ा हुआ था एक ने मेरा कि नहीं अहमद आप ये कर रहे हैं और आप ये ठीक कर रहे हैं जबकि बाखुदा हराम हो जो किसी एक की बात में मुझे यकीन आया हो सवाल ही पैदा नहीं होता मेरे ख्याल में कोई पाँच दस दिन की शूट गुजरने के बाद दानिश ने मुझसे कहा कि आपको पता है दद्दू आप बहुत अच्छा कर रहे हैं मैंने कहा बिंग से कैस्ट एक छोड़ो इसको यार मैं किसी की बात मानने को तैयार ही नहीं था okay. फिर एक दिन ही वो सीन आया जो शो स्टॉपिंग hmm. मैं मुझे शो स्टॉपर से फीलिंग आ रही है ओके okay. hmm. वो okay. सीन करने से पहले मुझे याद है कि मैं कमरे में गया हूँ आई कुंड स्टॉप माई सेल्फ आई कोलैप्स ऑलमोस्ट सैट ऑन द बेड एंड स्टार्टेड क्राइंग आई सेड आई कॉन्ट डू इट कि मुझे वो हैट भी पहनाया हुआ है उस तरह का चश्मा भी आपने लगाया हुआ है भड़की सी कमीज भी आपने मुझे पहना दी है और मैं जो सारे लोग मेरे सामने जो खड़े हैं अर्जुमन खड़ी है, अदनान जाफर खड़े हैं ये तो बहुत सोबर सोबर से लोग हैं और मैं बीच में एक छिचौरा सा चला जा रहा हूँ ऐसे कपड़े पहन के मुझसे तो ये नहीं होगा एंड लिटरली लाइक आई वॉज के मैं जैसे बेहोश होने वाला हूँ और रमशाद ने फिर मुझको बाकायदा यूँ पकड़ा कह ले नहीं आप बिल्कुल नहीं घबराएं अगर मुझे लगा कि आप छिचौरे लग रहे हैं या आप ऐसे लग रहे हैं तो मैं आपको बता दूंगी फिर आप मत कीजिएगा इसी तरह अर्जुमन और रमशा और दानिश इतना बदमाश है कि वो मुझसे बोले ही नहीं दूसरे कमरे में मॉनिटर बैठा वो सीन बहरहाल हो गया इसके बाद दानिश ने कहा दानिश आया कहने लगा कि लोग आपको इस कैरेक्टर की वजह से याद रखेंगे अब ठीक hmm. है मुझे तब भी यकीन नहीं था कि ये हुआ okay. मगर जब वो सीन ऑन एयर गया है उसके बाद से जो मेरे पास मैसेजेस आए या जो लाइक इट्स ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड लाइक हर okay. जगह से मैसेजेस आ रहे हैं hmm. कि वो ये एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि मैं ये करूँगा okay. या ये कि मैं वो टिकटॉक बनाते हुए नाच भी सकता हूँ <laughs> सिंगिंग भी कर सकता हूँ उसका तो मुझे खुद अब भी यकीन नहीं आता मगर अब मैं इतना कम्फर्टेबल हो गया हूँ कि आराम से जब भी आ, सीन करने लगता हूँ तो उसी तरह चलना शुरू कर देता हूँ जैसे आ, और मुझे डर ये था क्योंकि मैं बैक पर तीन सीरियल्स कर रहा था तो दो में तो वही रोने धोने वाले हैं सारे मुझे डर लगता था कि वो रोते धोते में कभी दद्दू हैंडसम घुस गया तो क्या होगा आप उनसे डायरेक्टर से कहता था प्लीज़ आप देखते रहिएगा अगर मैं यूं करके चलना शुरू हो जाऊँ तो वहीं रोक दीजिएगा वरना ये क्या आप किस ड्रामे के अंदर गाना गाना शुरू कर तो सो इट्स A very different and a beautiful experience I'm really going through yeah. uh, with the director, with the team. everyone there is like you know, I don't know somehow. Jesse Massin I see the team, I see their faces, they're all smiling, which gives me a really high ke if people are loving it and people are enjoying it, then why not?

तो उसको तो किसी किस्म की वो नहीं थी कोई इनिबेशन या कुछ नहीं, नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं मुझको बार बार अपनी उम्र याद आती थी, थी कि ये मोहम्मद अहमद आप पार्क में खड़े हुए और अब पुलिस वाले छापा मार के आपको पकड़े गए थे तो <laughs> बड़ा और सी सिचुएशन थी तो मैं उस वक्त होता था थोड़ा मगर ये कि ना अब नहीं हूँ अब तो आप उसे कहेंगे एम्प्रेस मार्केट पर खड़े होकर डांस तो कर दे मैं कर दूंगा आराम से अब कोई इशू नहीं है बट इस स्टेज पर अपने करियर के इस जगह जब आप अब देख रहे हैं इस कैरेक्टर को जहाँ इस कैरेक्टर ने आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने पे मजबूर किया है इस कैरेक्टर ने आपको अपने बारे में भी बहुत सी नई चीज़ें डिस्कवर करने पे म... तो ये क्या फीलिंग होती है जब आप रात को जाते हैं घर शूट ख़त्म करके वाट्स गोइंग ऑन इन योर माइंड बिकॉज जब लास्ट हम मिले थे या बीच में भी हमारी ऑफ कैमरा मुलाकात हुई तो डिस्कशन एक वही होती थी कि थोड़ा सा यू नो बोरियत है थोड़ा सा चैलेंजिंग लगता है रोल्स करना बिकॉज़ वही मोनोटनस रोल्स वही तरह के आते हैं ये एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ आई लेकिन इट वाज आल्सो पुशिंग यू यू आपकी जोन से से बाहर तो एकदम रीबर्थ हो रही है जैसे नो you बिल्कुल know. ऐसे ही है क्योंकि मेरे लिए शुरू में तो मैंने बता दिया कि मैं रातों को सो नहीं पाता था कि ये मैंने पता नहीं क्या कर दिया और मैं शायद जिंदगी का सबसे बड़ा ब्लंडर हो गई है लेकिन रफ्तार रफ्तार कंफर्टेबल होने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि हर इंसान के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं मैं अंदर यक़ीन कहीं ऐसा हूँ जो ये बाहर आ गया तो मुझे उस पर हैरत नहीं है सच होती मुझे हाँ इस बात पे होती है कि मैं ये कर रहा हूँ देख बहुत सारी बातें आपके अंदर होती हैं जो आप लोगों को नहीं बताना चाहते तो हो सकता है लोगों के सामने बड़ा कोशिश करता हूँ कि मैं बड़ा बुढ़ सा हूँ आम लोगों में या अपने बहुत कम फ्रेंड्स होते हैं जिनके साथ आप बहुत कंफर्टेबल होते हैं और आप अपने असलियत से बाहर आ जाते हैं मगर ये वाली साइड कि आप अंदर से थोड़े से छिचोरे भी हैं ये कोई एक्सेप्ट नहीं करता और मेरे ख़्याल में हर इंसान में मज़ा भी होता है हर इंसान में एक ये चीज़ होती होगी शायद कि वो कभी बाल ठीक करता होगा या लड़कियों को देख के थोड़ा सा कभी कुछ तो होता है हर इंसान में कोई ना कोई ऐसी साइड होती है जो हिडन होती है तो इसमें मुझे ये लगा कि यहाँ मुझे नहीं अंदाजा था कि मेरे अंदर इतना बड़ा पोर्शन जो है वो इस तरह कभी है कि मैं इसको बाहर लेकर आ गया हूँ और इससे मैं खौफजदा नहीं हूँ दुनिया के सामने जब आप बहुत सच्चे हो जाते हैं तो फिर खौफ नहीं रहता तो अब मुझे वो वाला खौफ तो नहीं है कम अज कम अब रह गया नेगेटिव कैरेक्टर का कि मुझे बीच में कई रोल्स ऐसे ऑफर हुए थे जिनमें नेगेटिव है तो उसमें एक दफ़ा था कि वो रेपिस्ट है तो वो मैंने मना कर दिया मैंने कहा नहीं।, नहीं शायद वो मैं नहीं कर पाऊँगा हाँ मगर नेगेटिव रोड में आप करना चाहते एक्चुअली कर हाँ. हाँ, तो आप सही कह रहे हैं, हम भी, हम भी आदी हो जाते हैं कुछ एक्टर्स देखने के और मगर मेरे मुझे भी आदि हो गए थे लोग क्योंकि मैं जहाँ चौथी किस्त में आता था लोगों को पता होता था किसी भी नंबर पर इसकी डेथ हो जानी है मैंने पहले भी कहा था चार छः आठ बारह या मैक्सिमम सोलह या अठारह अट्ठारह पे तो मरना लाजमी होता था ना तो अभी हो गया। अब उसको तुमने एक्सेप्ट कर लिया मुझे इसमें भी तो हो सकता है अगर मैं वो नेगेटिव कैरेक्टर जब करूँ तो मेरे अंदर भी से वो भी कोई ऐसा निकल आए मेरे अंदर भी कोई ना ने कोई नेगेटिविटी ऐसी होगी अगर उसमें भी शायद लोग एक्सेप्ट कर लें मुझे मगर हाँ मैं उस हद तक नहीं जाऊँगा कि जो मुझे गैर मुनासिब लगे वो मैं नहीं करूँगा अच्छा आपकी वो जैसे हम ड्रेसिंग की बात करें तो आप तो बड़े सफ़ेद शलवार कमीज़ या यू नो उस तरह वाली आपकी ड्रेसिंग है सोचती भी हूँ तो वही जहन में आता है तो जब ये लाइन ऑफ शर्ट्स आई चमकीली भड़कीली उन्होंने ही सारी की सबसे ज़्यादा कौन सा कलर पहनने में मुश्किल हो रही थी सबसे ज्यादा जो कल कलर जब शीशे में अपने आप को देख रहे थे तो क्या चल रहा था जहन में <laughs> जब गुजरते थे तो थे कहते थे तो देखते नहीं, नहीं देखना मैं बस बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा है बिल्कुल ऐसा ही किया मैंने आ, खास पे ये जो कल गया है जिसमें वो ग्रीन झंडे के रंग की शर्ट है तो वो मैंने इनकार कर दिया था कि ये मैं नहीं पहन सकता मगर बदकस्मती ऐसी है कि उसी कंटिन्यूटी बहुत बन गई तो मुझे बार बार पहननी पड़ेगी मगर वो पहनने के बाद मैं खुद को नहीं देखता क्योंकि बेटिया डिजाइनर्स हैं तो उन जो चीखें मारी और उनकी फ्रेंड्स ने मेरी तस्वीरें <laughs> खींच खींच के जो उनको भेजी कि जरा अपने अब्बा के ौक़ पे गौर करें कि वो क्या पहन रहे हैं तो उस वक्त <laughs> तो तो होता है मुझे मगर फिर अल्लाह का शुक्र है इतनी अकल सब में है कि यार मैं रियल लाइफ में नहीं पहनता <laughs> वो कलर्स हाँ पर्पल कलर की शर्ट वो जो है <laughs> सिल्क के ऊपर से चमकती हुई वो नहीं बर्दाश्त होती वो गोटे वाला हैट नहीं मुझसे बर्दाश्त होता मगर ये कि हाँ लोगों को अच्छा लग रहा है तो पहन रहा हूँ फैमिली का क्या रिएक्शन है बेटियों का आपकी वाइफ का क्या रिएक्शन है बहुत मज़ेदार है लाइक पहले तो शुरू में हमारी बेटियों को मैंने वॉर्ड कर दिया था कि मत देखना okay. तो तुम लोगों से बर्दाश्त नहीं होगा hmm. तो मेरे ख्याल में चार या पांच एपिसोड्स तक तो मेरी बेटियों ने देखा ही नहीं okay. मेरी बीवी का ये था कि वो देखती थी मगर मुझे लगता था कि जैसे ना वो अलामा इकबाल बन गई हैं देखते हुए यहीं हो जाती थी <laughs> बर्दाश्त तुमको यकीन नहीं आता होगा नहीं फिर एक दफा मेरे साथ ऐसे ही इकबाल बनी देख रही थी खासा बुरा बू बनाया हुआ था पता नहीं मेरे कौन सा सीन था और जो ये like, बुरी तरह हंसी है अच्छा वो तो वो तो वो कहने लगी अहमद इतने वो जो मेरा डोमेस्टिक हेल्प है पीछे वो दूर से देख रहा था उसने जो चीख मारी है ये मैं <laughs> कहा तो उठ के चला गया अक्सर ऐसा होता है कि मैं यूँ कर लेता हूँ यार क्या हो रहा है ये मगर हाँ अब मेरी बेटियों ने भी देखना शुरू कर दिया वो, उनको ये बात तो समझ में आ गई है बहुत अच्छी तरह की so. um, आपको डी आ रहे होंगे होंगे मोहब्बत मिल रही है वो कैरेक्टर कितना लोगों को हंसा रहा है उससे देख के आपको अंदाजा हो रहा होगा कि कितना

तो वो भी देख के थोड़ी देर थोड़ दे, दे। फिर मेरा मुंह होता है यार ये ये थोड़ी सी जाती हो गई तो ये जो नाम था ये उसमें लिखा हुआ था ये, ये सेट पे आप लोगों ने किया नहीं नहीं उस पर लिखा हुआ था जी निकाल सकती हैं ऐसे नाम है कुमार मगर यार रबिया मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है एक बात की कि ये सीरियल इतना इंटेलिजेंटली लिखा हुआ है बिल्कुल कि इसके अंदर ऐसी ऐसी बातें जो पहले नहीं हुई कि अगर आपने कहा कि कोई लड़की पढ़ रही है कि यूनिवर्सिटी जा रही है तो भाई क्या पढ़ रही है कभी बताया नहीं गया इसमें हमें पता है कि वो केमिस्ट्री, केमिस्ट्री पढ़ रही है साइकॉलॉजी एक साइकोलॉजी पढ़ रही है, पढ़ रही है जी। और अब्बा जो है वो क्या सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं यूनिवर्सिटी में है तो किस मिजाज के हैं अब बेगम है तो वो फूहड़ है बहुत मुझे मज़ा आ रहा है देख के कि लड़का अगर शेफ़ बन रहा है इस प्रोफेशन के बारे में एक दफ़ा बहुत पहले मैंने लिखा था या अब ये मैं देख रहा हूँ कि हम लोग कंप्यूटर इंजीनियरिंग से बाहर नहीं निकलते डॉक्टर से बाहर नहीं निकलते इन चीज़ों से बाहर नहीं निकलते और ये फील्ड ऐसे हैं जिसके अंदर अब लड़के बहुत ज़्यादा वो काम कर रहे हैं थे, थे। लड़कों का सुघड़ होना मुझे बहुत मजे की बात लग रहा है बिल्कुल, बिल्कुल। आ, अपनी बहन के बारे में इतना प्रोटेक्टिव भी होना और उसको नेल पॉलिश लगाना या उसके बाल बनाना इज अमेजिंग बिल्कुल ठीक है इसी तरह उस लड़की का वेस्पा चलाना मुझे बहुत मज़े की बात लगती है जिस तरह वो लड़के की ठुकाई लगाती है मुझे बहुत अच्छा लगा और एक ये कि वो जो कल बात हो रही थी कि मुनाफ नहीं है जैसी मुँह पे है वैसी वो पीछे भी है या, या। तो ये कैरेक्टर्स पे इतना गौर किया है ने मुझे हैरत से मैंने सायमा को दो चार दफ़ा फ़ोन किया कि सायमा मैं तो हैरत से मर गया कि इतना गौर किया हुआ बकायदा कैरेक्टर्स बनाए गए हैं कि हलीमा भूल जाती हैं बात करके अब्बा जो है वो शर्तें लगाते हैं निकम्मे हैं पैसे मांग फलाना लिया बहुत अच्छा कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है उसको भी हमने हमेशा बड़ा नीट एंड बड़ा बहुत अच्छा कर रहा है मुझे इस दफा किसी कैरेक्टर से कोई ऐसा नहीं होता कि यार फलाने ने अच्छा नहीं किया तो ये मुझे लगता है जैसे कहते हैं ना कि कैप्टन ऑफ द शिप डायरेक्टर सबको अगर एक पेज पर ले आता है तो टीम बनती है फिर नथिंग वोज रॉन्ग

एज ए राइटर तो मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहा हूँ बिकॉज सायमा के मैंने और भी काम किए हुए मैंने सुन, सुनो चंदा भी किया बिल्कुल, दो किए मगर इस बार मुझे सायमा के जो साइड साइड नज़र आई है ना वो एक बड़ी अनोखी साइड है कि लाइटर मूड में नवा कट्टा आपने खोल दिया इसको कहते हैं नवा कट्टा खोलना बिकॉज आप बात कर रहे हैं प्रोफेशंस uh, की बात कर रहे हैं मैंटैलिटीज़ की बात कर रहे हैं सोच की बात कर रहे हैं पढ़ाई की बात कर रहे हैं uh, लड़कियों के प्रोग्रेसिव होने के बारे में बात कर रहे हैं उनके रिश्तों के बारे में बात कर रहे हैं मगर इस तरह से बात कर रहे हैं कि लग नहीं रहा कि आप लेक्चर दे रहे हैं बिल्कुल ये आपने बड़ी जबरदस्त बात बोली है। लग, कहीं से हमें यही लग, लग रहा कि ये, ये ड्रामा हमें प्रीच कर रहा है ये ड्रामा हमें बैठ के बोला है कि ये को, वो बस वो चल रहा है ड्रामा चल रहा है आप उठाते जाए मैसेज जो आपका दिल चाह रहा है जो आपको कनेक्ट कर रहा है आप उस मैसेज को आ, समझ लें और उसको अपना लें अच्छा तो टिक दादा हैं टिकटॉकर हैं दादा तो आपने फिर रिसर्च की देखा टिकटॉक मैंने जब जिस वक्त मुझे ऑफर हुआ तो मैंने दो तीन आईडीज अपनी बनाई और टिकटॉक पे शुरू हो गया ठीक है और मैं देखता रहा कि टिकट पर मुख्तलिफ मेरी उम्र के लोग क्या कर रहे हैं अच्छा तो वो देख के तो मैं नरस गया मैंने कहा या खुदा अगर ये ये तो कर रहे हैं कि मैं इस तरह की हरकतें करूँगा किसी गाने पर मैं लिप सिंकिंग करना शुरू हो जाऊँगा या तो मैं तो ये नहीं कर सकता नहीं। मगर फिर मैंने और टिकट बहुत से लोगों को फॉलो करना शुरू किया उनको मैं देखता रहा तो मेरी जो सोच थी टिकटर्स के बारे में वो बिल्कुल बदल गई मुझे यूं लगा कि ये वो लोग हैं जिनको चांस नहीं दिया गया जो गेट पर आए होंगे किसी ना किसी चैनल के मगर उनको अंदर दाखिल नहीं होने दिया चाहे उनकी आ, तालीमी काबिलियत देखते हुए या उनके बोल चाल को देखते हुए मगर ये कि उनके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं जो मुझ में तो नहीं हैं तीस सेकेंड के अंदर मैं लोगों को नहीं हंसा सकता वो हंसा सकते हैं थर्टी सेकेंड्स के अंदर कोई डांस स्टेप इतना परफेक्टली करना मैं नहीं कर सकता वो तीस सेकंड में आपको करके दिखाते हैं आपकी कमर्शियल्स का जिस तरह वो एक लड़का मजाक उड़ाया करता है मैं तो और पता नहीं किसी बहुत मामूली से गांव का है मगर मैं तो उसकी क्रिएटिविटी पे हैरान हूँ कि वो सब्जियां कानों में लटका के माहिर खान बन के बैठा हुआ है और आ, वो क्रीम का इश्तहार क्योंकि मेरे ख्याल में उसको बड़ा इख्तलाफ था कि गोरा करने की क्री, क्रीम्स जो है नहीं होनी चाहिए तो उसने जिस तरह सब्जियां लटका के और पलंग की चादर अपने इर्द गिर्द बांध के मॉडलिंग की मैंने कहा ये तो क्रिएटिविटी है इसको आप कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं सही बात है और थर्टी सेकेंड्स में अगर कोई आदमी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है तो आप उससे इसलिए खफा है कि उसको चांस मिल गया

हो सकता है वो कोई नई चीज ऐसी क्रिएट कर सही बात है जब रिस्पेक्ट दी जाए और एक डाली तो जो भी करें ना। सोचते हैं कि आपको है कि यार ये तो जिम्मेदारी जिम्मेदारी आ गई है हाँ। जब तक आप डालेंगे नहीं तो शायद फिर कोई एक डायरेक्शन नहीं मिल सके लोगों को बिल्कुल इससे एक डायरेक्शन मिल सके बिल्कुल ऐसे तो फेवरेट कौन सी है तीनों पोतियों में से दादा की रमशा <laughs> ने हाँ। लग रही है है ना नेहा एक्चुअली जैसी अपनी लाइफ में है ना मेरी और उसकी दोस्ती उसी दिन हो गई थी जब मैं बहुत घबराया हुआ था की वर्णी? और मैंने कहा रमशा मुझसे ये नहीं होगा और उस वक्त बहुत हम नए नए मिले थे तो उसने मुझे जिस तरह से सपोर्ट किया और कहने लगी कि मैं खड़ी हूँ इधर आप करें अगर आपने कहीं ओवर किया या कुछ बुरा लगा मैं आपको बता दूंगी बगैर किसी खतरे के Okay. तो सबसे ज्यादा अजीज मुझे वो है फिर बाकी दो तो आपको पता है ऐसे कैरेक्टर्स कि आप उनको वो नहीं कर सकते हैं तो है ऐसे कि वो किसी को भी तो लगता है यार तो <laughs> इमेजिन नहीं कर सकती हूँ किसी को उसकी डांट बड़ी मजे की होती है वो अच्छा। भी आप जनाब के साथ होती है तो इसलिए लगता ही नहीं किसी को डांट रही तो बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा मुझे आहत की साइड देख के बड़ी हैरत हुई है क्योंकि आहत बीइंग अ थिएटर एक्टर एंड अ वेरी सीरियस एक्टर नेवर लाइक एक्सपेक्टेड के वो भी uh, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज को तोड़ना था जी. Okay. Uh, हम लोग आदि हैं हमको बोला जाता है कि हाथ ना हिलाएं बात करते हुए और आप सीधे बैठ के बात करें और आहत की जिस तरह की परवरिश है उसके अंदर तो बहुत ही उसको जेंटल और इस तरह का के वो कोई ऐसी हरकत ना करे उसको भी वो चीजें अपनी तोड़नी पड़ी हैं और वो भी हाथ हिलाता है आपने नोट किया होगा वो शक्लें भी बहुत बनाता है, है। okay, yeah. मगर बेस्ट बात यह है कि उसको भी शक्लें बनाते हुए कुछ नहीं हो रहा ये yeah. तो, yes, yeah. सब निकले है बाहर जुनीद के लिए भी

Uh, सबसे पहले उसी वजह की जो मैसेजेस शुगर कोट करके लाइटर मोड में ये औरत कर गई है ये नहीं कोई कर सकता इस वक्त तो um, ये जो आपका कैरेक्टर है द्धू का um, अगर आप देखें तो इस पे जो आपने बातें बोलीं उसके अलावा भी मुझे बहुत से मैसेजेस नजर आते हैं फॉर एग्जांपल मैरिज एट ओल्ड एज कम्पेनियनशिप बच्चों के साथ ताल्लुक बड़ों के दादा या बाप के भी इस एज के लोगों के ऑल्सो के एफर्ट कितनी Uh, हम लोग यूथ को बोलते हैं कि आप एफर्ट करें लेकिन यहाँ पे दादा भी एफर्ट करें दादा इज़ पार्ट ऑफ़ पोतियों की लाइफ यू नो तो ये मेंटल uh, हेल्थ जैसे हम अभी ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे hmm. uh, कि किस तरीके से घर के लोगों की जो चीज़ें हैं वो uh, बड़ों की मेंटल हेल्थ पर अफेक्ट कर सकती हैं तो आपके कैरेक्टर को मैं देखूँ तो ये सब मैसेजेस कनेक्टेड इस एक सिंगल कैरेक्टर के साथ बिल्कुल कनेक्टेड है और वो ये मैसेजेस कम्युनिकेट कर रहे हैं डिलीवर कर रहे हैं राबिया बहुत मजे की बात यह है कि जितनी बातें इसमें हो रही है ना आमतौर पे माँ बाप क्या करते थे या बाप रो धो के कह रहा है मुझे तवज्जो दे दो मेरी तरफ तवज्जो कर दो और पहले ही होता था इस दफा ये बात की यार यंग जनरेशन जो है वो अपने माँ बाप से इस बारे में बात कर रही है वो उनको बता रही है कि आपने अपने अब्बा को छोड़ दिया था और अब्बा की मेंटल हेल्थ यानी फिजिकल हेल्थ तो चलो कोई ना कोई पकड़ के डॉक्टर के पास ले जाएगा लेकिन मेंटल हेल्थ की या उसकी लोनलीनेस की बात बच्चे कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ सीनियर्स तो मुझे ये बात बहुत मज़े की लग रही है और ऐसा है भी अगर देखा जाए तो आजकल के बच्चे जो हैं वो ज़्यादा अच्छा जानते हैं इस बारे में आ, वो मेरे ख्याल में क्योंकि इसका मीडिया का ये फ़ायदा है कि वो पढ़ते हैं यूट्यूब पे और इन चीज़ों पर गूगल पर सब चीज़ें आती हैं

खास तौर पे जब ये पेरेंट हेल्थ वाली बात हुई थी तो मैंने उसी वक्त सामने को कॉल करके कहा था कि ये तो बहुत ही कमाल बात करती है उसने बट कम्पेनियनशिप की बात करें अगर तो डू यू फील के इस एज पे ज़रूरी है कि हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं अगर वो अकेले हैं तो उनके लिए ढूंढा जाए मैरिज को कंसिडर किया जाए आपको क्या लगता है मेरे ख्याल में कम्पेनियनशिप की तो वाकई बहुत जरूरत होती है मगर हमारे यहाँ चूँकि माशरा ऐसा है कि ओल्ड एज पर अगर शादी करें तो लोग बिला वजह बहुत बातें करते हैं ऐसा होना नहीं चाहिए मगर हमारे यहाँ जो कम्बाइंड फैमिली सिस्टम आप कह लें आ, उसके अंदर यही एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि वो अकेले नहीं रहते और उसके अंदर अगर कंपेनियनशिप की बात अगर कर रहे हो तो ये जो बच्चे मेरे साथ दिखा दिए हैं वो भी एक तरह की कंपेनियनशिप ही है कि वो मुस्तक साथ खड़े हैं तो उसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि शादी ही उस चीज़ का हल है

दे रहा है? बिल्कुल है कि अगर आपकी ऐसी क्योंकि आप उस एज पर आप आ गए जहाँ आपको वो वाला खौफ नहीं होना चाहिए आप तो अब आखिरी चैप्टर में अपने दाखिल हो गए तो अब दुनिया के डर से आप वो चीजें ना करें जो आपने कभी नहीं की तो गलत बात है अगर आपके दिल में वो ख्वाहिश है कि आपको थिएटर करना है इस एज में आके तो देन डू इट आपका दिल चाहता है कि आप डांस सीखेंगे इस एज पे आके आप सीखें क्योंकि अब इनके ऊपर ये रोक टोक तो जुल्म है ना कि आप एक 65-70 की एज के आदमी को कहें कि आप तुम वो करो जो हम कह रहे हैं दैट्स नॉट राइट क्योंकि उस आदमी के अंदर जो छुपी हुई ख्वाहिशात हैं अगर वो पूरी करेगा तो शायद उसका वो आखिरी चैप्टर अच्छा और खुशियों से भरा हो और मेरा ये ख्याल है कि बड़ा जरूरी है तुम बिल्कुल सही कह रही हो ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ चार पांच बुढ़े जमा हो जाए और बैठ के गप्पे मारें नाचे गाएं, फिरें। जो वैसे चेंज कर रहा है इस घूमे की एक्सप्लोर कर रहे हैं तो बड़ा अच्छा रिलेशनशिप दिखाया उनका मेरा ये ख्याल है सिर्फ इतना ही नहीं है अगर मैं टिकटॉक पे चला गया और मैंने तीन अपनी आइडेंटिटीज़ बना ली हैं तो इसका मतलब है कि यस आई एम बिकॉज मुझको लगता है वाई नाट mm -hmm. अगर अभी मुझे आप फ़र्ज़ करें कि ज़ाहिर है मुझे डांस किए हुए अब पता नहीं कितने साल हो गए yeah. भरतनाट्यम किए हुए मुझे बरसों हो गए yeah. हो सकता है कि अब मैं कहूँ कि मुझे अब दोबारा कभी ऑफर हो भरतनाट्यम करने की तो मैं हालांकि अब घुटने वुटने तो नहीं मुड़ते yeah. मगर मैं करूँ क्योंकि अब मेरे अंदर वो खौफ नहीं है कि अब दुनिया मुझे क्या कहेगी इस प्ले को करने के बाद वो वाला खौफ जो है ना वो मेरा ख़त्म हुआ कि मुझे अब दुनिया का ये वाला खौफ नहीं है विच इज़ अ वेरी गुड मैसेज कि अगर मेरे दिल चाहते हैं कि मैं सड़क पर खुदाई करके पौधे लगाऊं तो मैं लगाऊंगा मुझे कौन रोकेगा यार अब मैं हो गया हो इतना बुढ़ा तो मैं अब मुझे गोली मार के भी तुम्हें कोई खास फायदा तो होगा नहीं आप तो वैसे ही You didn't care. Hmm. नहीं नहीं तो हाँ, तो वैसे नहीं नहीं क्या क्या अब मुझे परवाह अच्छा तो दादा को क्यों लग रहा है उस बच्चे के साथ पहले एक हादसा हो चुका तो 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 जबरदस्ती शादी में नहीं उसको के रख रहे पिछली शादी का जो एक्सपीरियंस था जिससे उसको डिवोर्स हुई भी है उसके बाद ये लोग डर गए Okay. कि दोबारा okay. कोई हादसा तो तो ना तो होने है। है तो पाए की की तो पर तो अभी भी ये रिवाज है कि लड़की की अगर शादी की जाती है okay. तो लड़के वाले को अपना घर या अपनी जमीन लड़की के नाम मेहर में लिखना पड़ता है तो ये कोई बहुत अचंभे की बात नहीं है ऐसा होता है तो ये अलग बात है कि हमारे जो इस बात का फायदा हमारे उल्टा उठाते हैं कि वो आज के दौर में भी कोशिश करते हैं कि जी पच्चीस रुपये मेहर रख दीजिए या बत्तीस रुपये रख दीजिए तो हम जो वो एक तरह की वो गारंटी ही है ना तो ये ड्रामा फिर ये बोल रहा है कि लड़कियों लड़, माँ बाप को चाहिए कि लड़कियों के, के लिए डिमांड करें लड़कों से नहीं हरगिज़ भी वो ये बात नहीं कह रहे नहीं कह रहा नहीं, 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 नहीं कह रहे चूंकि उनके साथ एक बुरा एक्सपीरियंस हो चुका है इसलिए वो ये बात कर रहे हैं मेरा ख्याल है वरना ऐसा कहना कोई बहुत या ऐसी कोई डिमांड करना वो अच्छी बात नहीं है लोग अभी भी हक मेहर के ऊपर अक्सर आपने देखा होगा कि बात होती है तो मुहजिब घरानों में ये होता है कि उसके ऊपर कोई बहस नहीं होती ठीक है नहीं। नहीं। मगर ये भी नहीं हो सकता कि आप आज के दौर में कहें हम बत्तीस रुपए मेहर रखेंगे नहीं हो सकता नहीं। क्योंकि उसमें एक था वक्त, वक्त होता है ये सोने के की की जो कीमत है इतना रख दीजिए तो वो तो उसमें है वो तो जाहिर सी बात है अच्छा दादा जो है उन्होंने बेटे को तो इग्नोर किया था बेटे के साथ उन्होंने वो जबरदस्ती शादी भी कर दी वो शिकवे शिकाया थे अब उसको मेकअप करने के लिए वो पोतियों से इतने ज्यादा क्लोज है उसको करने के लिए मेरा ये ख्याल है कि बिल्कुल सही बात है बिल्कुल सही बात है आपने देखा होगा आम जिंदगी में बाप और बेटे में हमेशा कॉन्फ्लिक्स रहते हैं ज्यादातर बेटों की अपने बाप से नहीं बनती मगर फिर वो एक सर्टेन एज पे आते हैं तो उनको ये रियलाइजेशन होती है कि यार हमने तो ज्यादा कर दी और ज्यादा करने के बाद अगर आप उस बात को तस्लीम करके उसको किसी तरह बनाने की कोशिश करें और उसको निभाने की कोशिश करें और एतराफ़ करें कि आपसे गलती हुई तो अच्छी बात है लेकिन हम देख नहीं रहे कि वो जाके हो या गले लगाया हो या देखी कि 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 कुछ आएगा। आगे के तो, कि वो के लिए तो खड़े हो गए नहीं कर सके ही sure पोतियों के साथ वो ज्यादती ना हो जाए कहीं से लेकिन मुझे लगता है कि कहीं से कहीं कुतुबुद्दीन भी डिजर्व बड़ा बहुत देखिए तुमने बहुत से कुछ चीजें शायद देखी नहीं है जो हमारा कुतुबुद्दीन का जो कैरेक्टर है जी जी। उसकी बहुत ईगो है उसको साथ वालों के बेटों को वो प्रेफर करता है अपनी बेटियों पे ईगो बढ़ी है उसको कैसे मान ले कि वो उसके अब्बा टिक टॉकर हैं उससे ये सारी बातें नहीं।, नहीं हो रही बर्दाश्त फिर इस बात को वो कैसे मान ले कि उसने अब्बा को छोड़ दिया था और चला गया था तो एक तरह का फासला तो है तो वो बड़ा खूबसूरत सीन था जिसमें वो रमशा अपने दद्दू के पैरों पर जाके कंबल डालती है और बाहर निकलती है तो बाप उसको दरवाज़े पर मिल जाता है तो इसका मतलब था कि बाप जा रहा था कमरे तक उसकी उसको रोका हुआ था हम बाप की नहीं हम तो इसीलिए बाद ददू, ददू, ददू बा, तो हाँ, तो, में पहन के चला भी गया वहां के घर तो वो, महरूमी और वो तो हम सोचे शायद मेरा ये ख्याल है की बाप हमेशा अपनी बेटियों से कहता है अगर तुम लोग इतनी इंटेलिजेंट हो द्दू ये बात तो ये तुम्हें तुम्हारे विरसे में मिला है ये जहानत तुम्हें तुम्हारे बाप से मिली है ये बात तुम्हें माननी पड़ेगी सो so ये वो मेकअप कर रहा है दिस इज इज हाउ यू वुड से ही मेकिंग अप फॉर हिज नेगलेक्ट वो ये बात अपनी तरफ से करने की कोशिश कर रहा है कि उसकी बेटियां जो हैं वो कुतुबुद्दीन की इज्जत उसी तरह करें ओके okay. और वो इस बात को तस्लीम भी करें कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारी तरबियत बहुत अच्छी की है वो कई दफा ये बात कह चुका है ये अलग बात है कि बाप के सामने वो नहीं बोलता क्योंकि वो डरता है कि मैं टिक टॉक करूँ उसको अच्छा नहीं लगेगा मगर वो ये बात हमेशा बाबर कराने की कोशिश करता है कि तुम लोग अगर आज इतना पढ़ गई हो तो अपने बाप की वजह से हो हुँ, हुँ. क्योंकि उसने इस बात तो बाप दी है और वो हमेशा ये बात कहता है कि तुम अपने बाप की इज्जत करनी चाहिए, करनी चाहिए। और हो सकता है आगे पे साइमा ने कोई अकलमंदी की हो रही है और तुम्हें पता है अफसोस की बात है वो ये है कि मेरा कद है कुल बूटा सा कद है मेरा सतह समंदर से पांच फुट छे इंच ऊपर है और मेरे साथ जितने भी एक्टर्स काम कर रहे होते हैं ये लोग कसम खा के कास्ट करते हैं अदनान जाफर का कद छ फिट ऊपर से ले लिया ये लड़का जो क्या नाम है उमर है जी अब मेरे लिए बड़ा मसला ये हो जाता है कि मुझे हमेशा डायलॉग यू करके बोलने होते हैं समझ रही हो तो सारे लड़के इतने बड़े बड़े लड़कियां भी तुम्हें याद होगा केक वाली बात तो मैं भूलता ही नहीं कि हमेशा बेचारी सनम सही तो मुश्किल होती थी या अदनान को मुश्किल होती ये हमेशा मुझे सा, मेरे साथ रहेगा मसला क्योंकि जितने भी लोग आजकल पैदा हो रहे हैं वो उगते ही चले जा रहे हैं खजूरों <laughs> की तरह के दरख लेके चले जा रहे हैं जिनको के मुझे बड़ा गुस्सा आता है लगता है मबर सुबह रोज़ खाद डालते हैं पानी डालते हैं कि दो इंच और बड़े हो जाए हमेशा मुझे ज़्यादा लगता है रमशा को देखो शी इज ऑलमोस्ट माई हाइट

वो बाप और बेटे आपस में बात करते हुए क्योंकि यही क्योंकि अभी, अभी, अभी मा, तो तो ये, ये मुझे कंफ्यूजन आई थी कि ऐसा भी नहीं है कि ददू की बात कोई सुन नहीं रहा है घर में मेरा यहाँ जब कुछ, कुछ, दीन से वो डरता है बाप क्योंकि उसने एक चोर है ना दिल में टिकटॉक वाला मैं अगर बात करूंगा तो मुझे इसके पर सुननी पड़ेगी

मैं भी अपने आप को शामिल करूंगी हम इग्नोर कर देते हैं हाँ। तो वहाँ उसने नहीं बोला उन्होंने दद्दू ने और हाँ। जब वो पहुंचे उधर तो उन्होंने जो उनकी डिमांड थी वो आगे घर पे उन्हें पता था उधर तो कोई बोल नहीं सकता था सब अनकंटेबल थे लेकिन ने सुन नहीं था सबने ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट ठीक है मेरे ख्याल में वही वाली बात है की चिराग दल अंधेरा या घर की मुर्गी दाल बराबर हम लोग बहुत ग्रांड लेते हैं ये ये ड्रामा इन चीजों पर बहुत हाईलाइट कर हाँ। रहा है पॉइंट्स को तो ददू जो हैं वो पोतियों को सपोर्ट बहुत करते हैं सब कुछ करते हैं थोड़ा बैलेंस नहीं होना चाहिए कि सुघड़ापा और घर के काम को भी वो थोड़ा उनको पुश करते हैं या मुझे ये भी लगता है कि ही इज़ ट्राइंग टू प्रूव हिज पॉइंट अब मैं थोड़ी डीप साइकोलॉजी में जा रही हूँ बिल्कुल गलत भी हो सकती है कि क्योंकि चॉइस बहू उनकी थी और वो बहू पर सुनना पड़ता है उनको बार बार बेटे से भी और सुल्तान से भी बहुत दफ़ा तो ऐसा तो नहीं है कि वो कह रहे हैं नहीं देखो ये मैं लाया हूँ तो उसकी ये तीनों बेटियाँ कितनी सक्सेसफुल हैं तुम लोग लगे रहो जो तुम लोगों ने बोलना है कुछ ऐसी साइकोलॉजी भी चल रही है मेरा ये ख्याल है कि आ, आ, अगर मैं अपनी ही बेटियों की मिसाल मिसाल लेता हूँ तो जब तक उनकी शादियाँ नहीं हुई थी ओके किचन की तरफ उनकी बिल्कुल तोज्जो नहीं थी ओके सिर्फ और सिर्फ किताबें होती थी कि जी इतने ग्रेड्स लेने हैं या इतने एज लेने हैं या ये कि इंडस में एडमिशन चाहिए या पाकिस्तान फैशन कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो उनको उनकी अम्मी ने भी यही कहा हुआ था कि तुम लोगों को किचन संभालने की फिक्र नहीं करनी तुम लोग सिर्फ पढ़ाई करो और उन्होंने सिर्फ पढ़ाई की तो उनके कमरों का भी अक्सर यही हाल रहता था समझ तो वो मुझको और मेरी बीवी को ही घर अपना उसको सुथरा रखना उसको साफ रखना वो मेरी और मेरी बीवी की जिम्मेदारी थी क्योंकि बच्चियों को वाकई वक्त नहीं होता था कि वो घर जैसी उनकी शादियाँ हुई तो मुझे खुद यकीन नहीं आता कि कोई लड़की घर में पापे कैसे बना सकती है खासतौर पे वो लड़की जिसके अंदर जिसको पता ही नहीं हो कि अंडा कितनी देर उबालते हैं अब वो आपको बताती है कि अबू इतनी देर अंडा उबालेंगे तो ऐसा अंडा बनेगा या कि टर्की में रहते हुए उसको ये पता है कि पापे वहाँ पे जिस तरह के मिलते हैं वो पाकिस्तान जैसे नहीं होते नहीं। तो वो लड़की जिसने कभी किचन की शक्ल नहीं देखी थी वो अपने घर में पापे तक बनाती है बिरयानी कुर बनाती है तो एक दफ़ा जब आपकी पढ़ाई ख़त्म हो जाती है और आप पे दूसरा चैप्टर जिंदगी का शुरू होता है लड़कियों का जहां तक मैं समझाऊ तो फिर वो उसमें भी ढल जाती हैं और वो काम करती हैं वो तमाम काम करती हैं वो ऑफिस का काम भी करती हैं वो घर भी संभालती हैं बच्चे भी पालती है ओके। तो यहाँ पर दद्दू जो बात कर रहा है वो मेरे ख्याल में यही है कि ये बच्चियां अगर पढ़ रही हैं तो उनको पढ़ने दिया जाए उसमें ना रोका जाए आगे वो कर ही आगे वो कर लेंगे जब उनका होगा और ये उनके घर में भी जाके कहा था महा सीख लेगी ना जब इस घर में आएगी तो कहता है तो मैं समझता हूं क्योंकि दुनिया की मुझे सबसे ज्यादा अजीब और गरीब और बहुत अच्छी चीज लड़कियों लड़कियाँ लगती हैं इस मामले में कि वो एक घर में 20 22 साल गुजारती हैं तो उस घर की दीवारों तक से प्यार हो जाता है भी गुण, भी गुण। फिर अचानक एक दिन खुदा हाफिज क्या कि कैसे घर में चली जाती हैं जिस घर में पहले कभी नहीं रही वो कैसे एडजस्ट करती हैं उस घर में कैसे वो सारे उस फैमिली को अपनाती हैं या वो ज़िम्मेदारियों को कैसे अपना लेती हैं जबकि अपने घर में तो अम्मा से कहती थी नाश्ता भी बेड पे लेकर आओ बात है। और उस तो ये अल्लाह ताला ने क्या मैकेनिज्म रखा है लड़कियों में ये मैं नहीं समझ पाता मगर बड़ी मज़े की बात है कि जिन लोगों के घर में बहुएं आती हैं और उनको प्यार से रखते हैं तो उससे ज़्यादा खूबसूरत बात क्या होगी कह रहे हैं तो ये मुझे लड़कियों की साइड बहुत इंप्रेस करती है भाई हम नहीं कर सकते कि हम अभी घर बदला है तो फिर मुझसे तो उस घर में एडजस्ट नहीं हुआ जाता फॉर मंथ्स लड़कियां जाके आराम से एडजस्ट हो जाती हैं। आदम कितने अगेंस्ट क्यों के बता के पीछे ही है? या पर्सनली भी कुछ चल रहा है आदम के आगे अगेंस्ट है तो की नेहा की वजह से नेहा की वही ना हाँ उसकी मोहब्बत में वरना मेरा ये ख्याल है कि दद्दू को अंदर अंदर बहुत पसंद है आदम पसंद आदम है? बहुत पसंद पसंद बहुत है जब हाँ। थाने गए थे तो आदम, आदम को कॉल किया कौल था यस यस हां मगर चूंकि नेहा बहुत अगेंस्ट है तो इसलिए दद्दू अच्छा दद्दू की फिर नेहा के सामने बोलती बंद हो जाती है दोनों एक दूसरे से लड़ते एक ऐसे लगता है लड़ते हुए कि हम उम्र है नेहा के साथ ये है कि उसके साथ पिलो फाइट भी हो रही है तो वो मेरा हाथ पकड़ के खींच भी सकती है मैं उसका हाथ पकड़ के खींच भी सकता हूं बल्कि एक सीन तो ऐसा हुआ था <laughs> एक सीन था जिसमें नेहा मैं सोया हुआ तो नेहा को आना है और मेरे साथ वो गाड़ी चाबी भी उठानी है और मेरे हाथ को पकड़ के उसने किस हाँ। भी करना है अब वो सीन नेहा इतनी लंबी है क्योंकि अब बेड जरा नीचे था हाँ। तो उसने जब वो मेरा हाथ पकड़ के किस करना था तो कैमरा में नहीं आ रहा था ठीक तो बजाय इसके कि वो खुद झुकती उन्होंने यू मेरा हाथ खींचा कि मैं ऊपर हुआ हुआ था पूरा वो वहाँ पे उन्होंने वीडियो भी, भी बहुत देर तक हंसता रहा कि बीबी हमसे कहती तो कैमरे की हाइट नीचे कर देते बजाय इसके कि दद्दू का हाथ खींच के ऊपर ले गई मैंने कहा शुक्र अलग नहीं था, ये था।, था।, <laughs> था। <laughs> हाँ। कोई और सेट से वाक्य सुना है मजे का बहुत, बहुत सारे हुए होंगे आप लोगों के तो बहुत, बहुत सारे, सारे आप लोगों को बुरा हाल हो रहा होता होगा बहुत हंसते हैं बहुत हंसते हैं वास्तव क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसी वक्त हो जाती हैं जिनका कोई प्लान नहीं होता मगर वो उसी वक्त हो जाती हैं क्योंकि मेरे साथ तो ये जब भी टिकटॉकर किया तो पहले तो मैं बिल्कुल सीधा सीधा खड़ा होकर बोलता था फिर मैंने टिकटॉक पे देखा कि यार ये लोग हीरो कैसे बनते हैं कैसे करते हैं देन आई स्टार्टेड वो मैं पीछे मुड़ के खड़ा होके हे hey गाइस करके यू yes. टर्न करके मैंने बोलना शुरू किया बिकॉज टिकटॉक टॉक के बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं yes. तो फिर वो सही लोगों को लगा कि yes. हाँ ये सही है yes. तो अब अक्सर ये होता है कि ये इतनी बदतमीज़ है yes. नेहा कि वो ना मैं नेहा से कहता हूँ नेहा मेरे सामने मत खड़ी हुआ करो जब मैं ये हरकतें कर रहा हूँ तुम अपने कमरे में चली जाया करो मगर वो छुप के कहीं कही ना कहीं से देखती है और सबसे पहले उसके हंसने की आवाज आती है बहुत <laughs> आप और conscious हो जाते हाँ, <laughs> मगर नेहा के साथ अल्लाह खुश रखे वो बहुत नानी okay. दे yes. <laughs> so जो है उनका रिश्ते कराती है वो मोजमा जी जो कर रही है सारी कैरेक्टर आर सो इंटरेस्टिंग मजा आता है देख के यू नो कोई कोई कैरेक्टर से आप बोर नहीं होते फिर वो दोनों बच्चियां जो है वो तो बहुत मजा आता amazing. है अमेजिंग इट्स लवली वो जो बनी हुई मलिहा कराटे किलर मिली मिली मुझे तो इसकी एक्टिंग इतनी मेच्योर लगती है मुझे बहुत हैरत होती है मैं इसको गौर से देखता रहता हूँ yes. तो कि यार कितनी कंफर्टेबल है ये इतनी छोटी एज पे इतनी छोटी एज पे और उसके अंदर किसी किस्म की बनावट भी नहीं है वरना लड़कियाँ इस स्टेज पर जब आती है ना तो वो अजीब हो जाती हैं कि उनको मेकअप करने का शौक भी हो जाता है तो उनको खूबसूरत नजर आने का भी हो भी जाता, भी भी जाता भी है।, है उसको बिल्कुल परवाह नहीं है उसको जैसे कहेंगे वो आ जाएगी और क्या भाई ऐसे तो सेट पे कब किससे सबसे ज़्यादा आपकी दोस्ती सेट पे कौन क्या कर रहा होता है मैं कुछ बताएं मेरी ऑलमोस्ट हर एक से है बहुत अर्जुमन चूँकि कमाल के खाने लाती है तो मैंने सबसे ज्यादा दोस्ती अर्जुन से रखी हुई अच्छा। है क्योंकि उसका इंतजार करता रहता हूँ और उसके टिफिन के पीछे घूमता रहता हूँ कि ये कब खुलेगा बहुत मजे के खाने लाती है तो अर्जुमन है। से बहुत है नेहा से बहुत है आहद से बहुत है आहद और हम लोग बहुत अच्छी ऐसी बातें शेयर करते हैं जिनपे हम ही हंस सकते हैं तो आहद से बहुत दोस्ती है कोई एक नई चीज़ जब आपने इन यंगस्टर्स के साथ काम किया तो आपको कुछ रियलाइज हुआ आपने ऑब्जर्व किया जो पहले आपको हिट नहीं कर रही हो हाँ पहले मुझे लगता था कि मैं मेरी शायद बनती नहीं है ज्यादा इन लोगों से तो में रिजर्व रहता था बहुत ज्यादा क्योंकि ये लोग बड़े मुंह फटे हैं बहुत जैसे आप आजकल के उसमें कहती हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हाँ। तो वो जो ये जनरेशन है कभी कभी वो लाइन क्रॉस कर जाते हैं वो कोई ऐसी बात उनके मुंह से निकल जाती है जो मुझे जरा बुरी महसूस हो तो मैं जरा रहता था मगर इस बार मुझे ये लगा कि यार ये तो बहुत ही मजे के लोग हैं Uh, आहद से मिलने के बाद ख़ास तौर पर मुझे ये लगा कि आ, उस लड़के को एग्जैक्टली exactly पता है कि मैंने कौन सी लाइन क्रॉस नहीं करनी ओके ठीक है अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है तो यकीन करो आहद अगर उस कमरे में मौजूद है तो मुझे कहना नहीं पड़ता वो पता नहीं कैसे खुद उसे पता चल जाता है वो जैसे उस दिन मुझे चमचा चाहिए था हुँ. तो मुझे पता भी नहीं चला ही

बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं, नहीं था बिल्कुल तो दो तीन सवाल मैं आपसे थोड़े से सीरियस उस पर पूछना चाहती हूँ एज अ फादर बिकॉज माशाल्लाह से आपकी अपनी हैं क्या तीन चीज़ें आप फादर्स को एडवाइस करेंगे जो फादर्स कर सकते हैं अपनी बेटियों को एम्पावर करने के लिए स्ट्रेंथ देने के लिए इंडिपेंडेंट करने के लिए या क्या कि वो जिंदगी में आ, काम जिंदगी में कभी परेशान नहीं हो या उनमें क़ोत फैसला बहुत होनी चाहिए ठीक है ये एक चीज यू वांट के आई वांट माय डॉटरस ये डेवलप करें हां ये डेवलप करें ऐसी टिप है किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं उनको फ्रीडम दें ओके okay. उन पे भरोसा करें सही है देखिए अगर आपने उनकी तरबियत अच्छी की है तो फिर भरोसा ना करने का सवाल ही पैदा नहीं होता फिर तो आपको ये भरोसा होना चाहिए कि मेरी बेटी अगर रात को 11:00 बजे भी आ रही है घर पे कुछ गलत करके नहीं आ सकती वो आपको ये अपने पे शक हो रहा है अगर आपको लगता है कि मेरी बेटी जो है वो किसी जगह किसी पार्टी में डांस करने गई हुई है या ये किसी उसमें क्या होती हैं पार्टीज जो होती है डांस पार्टी से आ रही है या कि खुदा न खास्तें किसी ड्रग में है तो इसका मतलब है कि आपने अपनी तरबियत सही नहीं की तो आपको तो खुद शर्म आनी चाहिए ओके। एक बात तो ये होगी कि बेटियों को फ्रीडम देंत फैसला करने की उनको ये भरोसा दें कि अगर अल्लाह ना करे वो कोई गलती कर देती हैं तो आप उनके साथ हैं ये बहुत खूबसूरत बात बोली आपने

ये भरोसा जरूर दें उनको आप ठीक है और तीसरे ये कि जबरदस्ती ना करें ना किसी भी बात पे जबरदस्ती ना करें उसने अगर नहीं पढ़ना बंदूक लेके ना दौड़ें उसमें यकीन फिर कोई ना कोई साइड और होगी वो देख लें आप हो सकता है वो कुछ सीखना चाहती है हुनर शादी के मामले में जबरदस्ती ना करें वो कब करना चाहती है किससे करना चाहती है उसमें तो आपका कोई हक ही नहीं है अगर आपने तरबियत दी है तालीम दी है तो उसमें इतनी अक्ल आपने दे दी है कि वो अपना फ़ैसला सोच समझ के कर सके और आजकल के बच्चे बड़े तेज़ हैं ये जल्दियाँ जल्दी शादियाँ नहीं करना चाहते ये लड़कों की मैंने देखा पहले सत्ताईस मैक्मम होती थी ट्वेंटी सेवन पर शादी कर लेते थे अब वो थर्टी टू तक जाना चाहते हैं कि मैं बत्तीस साल का हो जाऊँ थोड़ा सा मुझे दुनिया का पता चल जाए मुख्तल हो जाऊँ वो मुख्तलि लड़कियों से मिलते हैं अच्छी तरह परखते हैं उसके बाद वो डिसाइड करते हैं यही लड़कियों को हक है कि वो भी मिले जो ले लड़कों से और उसके बाद वो फैसला करे कि हाँ जी इतना लायक है कि इसके साथ मैं अगले साठ साल ज़िंदगी गुजार सकूँ तो मेरा ये ख्याल है किसी किस्म की ज़बरदस्ती ना करें लड़कियों पे बहुत भरोसा करें और उनको ये इतम दे दें कि अगर वो गलती करती हैं तो आप उनके साथ अच्छा जिनकी जब शादियाँ हो जाती हैं बेटियों की तो बहुत दफ़ा पेरेंट्स वुड यू एडवाइस कि पेरेंट्स को किस तरीके से हैंडल करना चाहिए कि वो उनकी शादी को सपोर्ट कर सकें बहुत ज़्यादा इंटरफेयर भी नहीं करें क्या, क्या कर उसमें बहुत बेहतर होता है कि आप उधर भी वही फ्रीडम दें पहले कि लड़की जब अपने ससुराल जाती है वो अपने आप को एडजस्ट करें वहाँ पे वहाँ के हर घर में मसाइल होते हैं वो उन मसाइल का हिस्सा बनकर वहीं पर रह कर उनको रिजॉल्व करें बनस्बत इसके कि वो बार बार आए और आप लोगों को बताया कि अम्मा वहां ये हो गया कभी आप उसको ज ना करें okay. अब वो उसकी फैमिली है लेटर hmm. डील hmm. और वैसे भी आपने उसको दे दी इतनी हाँ uh, बिल्कुल बेसिक ग्राउंड्स दे दिए दैट शी शुड आप ये उधर की चीज उधर ही उधर ही रखे, ही रखे और, और अपनी अक्ल इस्तेमाल करके उसको hmm. हैंडल करे हैं। 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 और उनकी रिस्पेक्ट करे जिस तरह आप अपने पूरी फैमिली ठीक है ना मुश्किल ज़रूर होता है इसमें क्योंकि अब आजकल की माएँ बेटों के बारे में पोजेस्टिव बहुत हो गई हैं उनको डर लगता है कि ये भाग जाएगा तो यू हैव टू डील विद एट उसकी माँ यार आप उसको भरोसा दें इस बात का कि मैं नहीं भाग रही भाई लेके ठीक है ना तो फिर हालात दूसरे होंगे हमारे यहाँ वो जो एक दूसरे को रिजेक्ट करने वाली बात है ना वो फ़ौर पहले आ जाती है नहीं करें रिजेक्ट एक्सेप्ट एक्सेप्टेंस एक एक बहुत बहुत अच्छी अच्छी चीज़ चीज़ है tolerance चीज़ है टॉलरेंस टॉलरेंस तो है ही नहीं नहीं बिल्कुल नहीं है बहुत कम कर 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 नहीं है।, नहीं है। नहीं, नहीं है नहीं है पेशेंस नहीं नहीं टॉलरेंस पेशर माशा से आपकी इतनी शादी के अच्छे खासे साल है और बहुत अभी भी खुश हैं आप लोग दोनों एक साथ रह रहे हैं आजकल की जो जनरेशन को हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि उनका जो ट्रस्ट है इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिज में वो खत्म होता जा रहा है बहुत ज़्यादा शेखी होते हैं दे दे डाउट इट उनको नहीं बहुत से लोग तो शादी करना भी नहीं चाहते हैं स्पेशली लड़कियाँ क्यों लगता है आपको कि ये हो गया है क्या गलतियाँ की हैं इस तरह की जनरेशन आने वाली जनरेशन ने कि इस जनरेशन को ये ये फीलिंग आ गई है और आप क्या एडवाइस करेंगे कि इसको किस तरीके से हैंडल किया जा सकता है या आप क्या बोलेंगे यूथ को सुन रहे हैं ये आपको? बात दोनों अभी हमने की ना कि टॉलरेंस और पेशेंस है ही नहीं और मैं समझता हूं कि शादी जो है ना वो चंद महीने तो बहुत ही लबी डबी सी चीज में गुजर जाते हैं रियलाइजेशन आपको चार से छह महीने के बाद शुरू होती है फिर उसके बाद आप पे वो वक्त आता है जहां बहुत सारी चीज़ों पे आपने कॉम्प्रोमाइज करना है बहुत सारी चीजों पे उसने कॉम्प्रोमाइज करना है हम ये सारी बातें भूल गए हमें अब कॉम्प्रोमाइज करना नहीं आता बिकॉज हमारे टीवी ने सॉरी से चेन्नई की तरफ बांटी है डिवोर्स हमें सबको कुछ और आया या नहीं आया तलाक देनी आ गई खड़े खड़े यूं मगर चूंकि कभी यह नहीं बताया गया कि डिवोर्स करने के बाद के मसाइल क्या होते हैं तो लोगों को यह पता है कि जी डिवोर्स करना तो बड़ा आसान है है नहीं उनको नहीं पता कि डिवोर्स के बाद क्या होता है मगर विद इन थ्री डेज सिक्स डेज थ्री मंथ्स आजकल के ये रेशियो चल रहा है जी। जी। तो शादी के बाद इसीलिए मेरा ख्याल है कि शादी से पहले जानना एक दूसरे को समझना फिर ये फैसला करना कि शादी करनी है ज्यादा बेहतर है बनस्बत इसके कि आप एक अरेंज मैरिज के अंदर आपने पसंद कर लिया और उसके माँ बाप ने पसंद कर लिया दो को एक जगह पे बिठा दिया लाल दुपट्टे पहना के वो एक दूसरे को जानते नहीं है जानेंगे तो शादी के बाद जानेंगे जब शादी के बाद जाना तो लगा ये तो बड़ा गलत हो गया तो टीवी जिंदाबाद उन्होंने हमें बता दिया तीन लफ्ज बोल दो खत्म तो अब जब आप तालीम इतनी आम हो गई है तो तालीम का मतलब तो ये है कि आप दिमागी तौर पे इतने मजबूत हो गए हैं कि अपना फैसला दुरुस्त कर पाएं।, कर पाएं। तो टाइम लो मिलो जुलो लोगों में से छांटो, जो तुम्हें लगे कि के तुम्हारी केमिस्ट्री जिससे बनती है उससे शादी करो एंड एज ए एन एक्टर आपको लग रहा है ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स रोल्स चेंज हुए हैं अब सपोर्टिंग एक्टर्स या एक्टर सीनियर एक्टर्स के लिए ऐसे रोल्स दिखे जा रहे हैं जिसमें मार्जिन ऑफ परफॉर्मेंस ज्यादा आया है या आपको लग रहा है अभी भी इंडस्ट्री में चेंज नहीं आ रहा है चेंज तो आया है मुझे भी लग रहा है कि इसीलिए मैं चेंज तो आया है अब कुछ अब कुछ ड्रामों में कैरेक्टर्स ऐसे दिए जा रहे हैं जहाँ सीनियर एक्टर्स को भी रिकगनीशन फॉर देयर टैलेंट इस स्टेज पर भी मिल रहा है और उनको भी परफॉर्म करने का टाइम रहा है uh, ये वाला चेंज तो आया जहाँ तक रिकोगशन का सवाल है वो नहीं आ सकता बिकॉज आपने देखा होगा कि अवार्ड्स तक नहीं दिए जाते हमारे यहाँ सपोर्टिंग कास्ट के लिए कोई अवार्ड है सच नहीं है और सीनियर एक्टर्स को तो क्योंकि वो स्टेज पे आके डांस नहीं कर सकते तो अवार्ड में बुलाया उन लोगों को जाता है जो आए और स्टेज के ऊपर परफॉर्म करें जिसके बदले में उनको एक अवार्ड मिल जाएगा मुझे ये क्राइटेरिया लगता है परफॉर्मेंसेज पर नहीं है <coughs> और ख़ासतौर से सपोर्टिंग एक्टर्स के लिए कुछ भी नहीं है तो रिकोगशन से मैं उस वक्त समझूंगा कि जब हाँ रिकगनाइज़ किया जाए कि फ़लाने

हाँ, तो तो है। है। और... अप्रिस्ये... तारीफ भी बहुत हो रही है हिम्मत अफजाई भी बहुत हो रही है और मेरे ख्याल में मुझे लगता है मे मेरा जी तजुर्बा तो ये है कि अगर मैं जाता हूँ किसी जगह और कोई वो एक बूढ़ी औरत है ताकि मेरा हाथ पकड़ के रोती है बहुत मेरा अवॉर्ड तो वो है ऑनेस्टली मेरे साथ ऐसे वाकयात इतने ज्यादा हैं बेशुमार हैं ये कोरोना के दिन में बेचारी बहुत ही बुरी सी खून थी चल नहीं पा रही थी वो मेरे सामने आई और उन इशारे से कहा कि मास्क उतारो और बेचैन हो गई मैं मॉल में था उस वक्त मैंने उतार दिया एंड शी क्राइड शिक मुझे लगा कि तुमने मेरी कहानी करती बस औलाद औलाद के के टाइम टाइम पे, पे। तो ये अवॉर्ड है ना yes, तो उस अवॉर्ड का मुझे क्या करना है कि जिसके मुझे कोई किसी किस्म का कोई फायदा नहीं होना आपको उसी तरह बिजली के बिल पे करने लाइनों में लग के आपको हवाई जहाज़ का टिकट नहीं मिलेगा उस अबोड की वजह से या आपको कोई फ़ायदा नहीं है आपने क्या करना उस सजा के तो ना मैं ऐसे शोज़ में जाता हूँ ना मुझे कोई ऐसी ख्वाहिश है हाँ रिकग्निशन की तुम बात कर रही हो तो ऑफिशियली तो नहीं मिलने वाली अब आम कर रही है अभी आजकल लिख रहे हैं कुछ आप लिख रहा हूँ लिख रहे हैं <laughs> okay. मगर अब मुझे ये साममा का कर स्क्रिप्ट करने के बाद लगा कि मैं इतना अच्छा नहीं लिख सकता मगर मैं लिख रहा हूँ okay, okay. तो, क्योंकि कब देखेंगे हम उसको बहुत जल्द या मेरा क्योंकि अभी आधा लिखा है मैंने हुँ. आपको पता है वो चौबीस से छब्बीस किस्तों का जो आप पे तलवार होती है तो वो जी. तो मौजूद है तो ये इसकी रमजान की शूटिंग के बाद फिर वो बारह रह गई हैं वो लिखूंगा इनशाला अगेन इट्स अबाउट वमेन Okay. And, uh, एक रोते बाप की जज्बाती है मेरे लिए मुझे मैंने कहा ना पहले वो रोते हुए बाप मुझे बड़ा इजी लगता था और ये बहुत मुश्किल लगता था इससे पहले किया नहीं था अब मुझे लगता है कि शायद ये, ये भी मेरे लिए मुश्किल नहीं रहा तो अब दोनों में से जो भी आएगा मैं करूँगा हाँ विलन आया तो मुश्किल होगा क्योंकि मैंने शायद तुम्हें ही बताया था जब मैंने विलन लाल कबूतर में किया था तो लोगों ने कहा था इतना शरीफ विलन हमने <laughs> पहली दफ़ा देखा हम तुम या सुनो चंदा हम टाइम ओके इंटरेस्टिंग सही है कौन से ड्रामों की शूट चल रही है अभी आपकी और, आ, कौन से आ, हम किस में आपको बहुत आगे जाके देखेंगे एक तो वही टिपिकल जिसकी एक बाप जिसकी बहुत सारी ओके ठीक है कौन तो है आपके साथ किस चैनल पर अगर शेयर कर सकते हैं अभी ये नहीं अभी नहीं बता सकता, सकता शूट हो रही है हां शूट हो रही है ओके तो एक मेरे ख्याल में एआरवाई पे आएगा ओके तो एक तो बाप है विद काफी बेटियों के हाँ, साथ एक ये ड्रामा है चलो दूसरा ये ड्रामा है और एक तो वही रन ऑफ द मिल जिसमें कुछ भी नहीं सिवाय दुआएं देने के या चाय का प्याली रखने के और कुछ नहीं होगा नथिंग मच टू डू ओके ओके ठीक है थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम थैंक यू सो मच आपने शूट पे से निकाला मुझे पता है आप लोगों के रमजान पे की बहुत जबरदस्त और बहुत हेक्टिक स्केड्यूल चल रहा है जी हां ये भी बड़ा आप लोगों की हिम्मत है कि रमजान में आप लोग लगे हुए हैं और आ, हमें इतना मजे के ड्रामे हमें नहीं अगर शायद इतना अच्छा रिस्पांस नहीं आता तो तकलीफ होती है हर बार जाते हुए अगर अब खुशी होती है हाँ, हाँ। तो हाँ, डिस्कस किया कितने नहीं। कितने मैसेजेस दे रहे हैं हम यू तो, नो तो बहुत मज़ा आ रहा है और आप बिल्कुल परेशान नहीं हो आपने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया हमें बहुत मजा मैं तो मेरी जब बात हुई तब से, थी। तब से ही मैं थी। दि, दि, मुझे, तुमने तुमने नहीं। मुझे कह दिया था कि इंटरव्यू करना है बैठ की बात करनी है तो अब ये सही टाइम है जब मिडिल में हम पहुँच गए कि अब हम बात करें तो लोगों को भी सुनने के लिए काफी चीजें मिलेंगी आपसे ना मुझे ना बहुत हैरत होती है तुम्हें इंटरव्यू देते हुए <laughs> क्योंकि मैं हर बार खाफजदा भी होता हूँ क्योंकि तुम ऐसी ऐसी बातें करती हो फिर मैं बोल जाता हूँ फिर घर जाके कॉल करता हूँ ये ना डाल देना ये ना डाल देना आपने ऐसी कोई भी नहीं है तो मगर तो, इस दफ़ा मैंने ये देखा कि तुम्हारे भी जो हम चेंजेस की बात कर रहे हैं तुम्हारे उसमें भी एक मेचोरिटी आ गई है बहुत तुम उस तरह की बातें भी पूछ रही हो मुझसे जो बहुत लोग आमतौर तौर पर नहीं करते और इस तरह की भी जो लाइट हार्टेड के शर्ट पहनते हुए कैसा लगा मुझे बहुत मजा आता है तुम्हारे साथ बहुत खुशी शुक्रिया बहुत आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू के आपके साथ गपशप लगे व्हाट्सएप पे भी हमारी बात होती रहती है क्योंकि आपके जो कैरेक्टर्स हो रहे होते हैं एंड हमेशा मज़ा आता है जब भी के इंटरव्यू का चांस मिले सो so, बहुत शुक्रिया दिल से आप बहुत बिजी में से टाइम निकाला है बिकॉज इस कैरेक्टर के लिए मुझे बहुत मेरा बहुत दिल था कि मैं आपसे ये शुरू में ही कह दिया था मुझे था मैंने। बस आईंदा मुझे ये था कि मैं पर्पल शर्ट पहन के जाऊँ तुम्हारा इंटरव्यू देने के लिए फिर मैंने कहा ये अंदर ही नहीं घुसने देगी मुझे बदलते रहे चश्मे भी बदले है ना तो ऐसा भी कर लेंगे इंशाल्लाह शुक्रिया बहुत थैंक यू सो मच थैंक यू बहुत शुक्रिया कि आप लोग आ